हेलो फ्रेंड नमस्कार, मैं आपका दोस्त डॉक्टर कुमार गौरव झा, बाय प्रोफेशन डेंटिस्ट एंड फुल टाइम एमएलएम एंटरप्रेन्योर। फ्रेंड आज के बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन में आपका स्वागत है। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दों पे जो कि डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ा हुआ है उन पे हम चर्चा हम करने वाले हैं। फ्रेंड जैसा कि आपको पता है कि डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे कई सारे लोगों ने अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म किया है, कई सारे लोगों ने अपने सपनों को पूरा किया है। मैं अगर अपनी बात बोलूं तो पिछले 3.5 साल से मैं इस डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म के अंदर हूं और यहां से जो मैंने पाया है वो मैं आपको शब्दों से तो यकीनन बयान नहीं कर सकता हूं। यकीनन मेरी भी जिंदगी 180 डिग्री ट्रांसफॉर्म हुई है। लेकिन फ्रेंड ये इंपॉर्टेंट जो प्लेटफॉर्म है डायरेक्ट सेलिंग, इसमें कुछ ऐसे मुद्दे हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका उत्तर हमको सटीक रूप से मिल नहीं पाता है। तो फ्रेंड वही कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनकी तलाश में डिस्ट्रीब्यूटर दर दर भटकता है लेकिन उसको सटीक उत्तर नहीं मिल पाता है, तो आज हम कोशिश करेंगे कि वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम इस सेशन में लें और उनका उत्तर भी आपको दे पाए। और फ्रेंड मैं बड़ा खुश हूं और मैं बड़ा एक्साइटेड हूं कि वो जो प्रश्नों का उत्तर जो आपको मिलने वाला है वो आज मैं नहीं दूंगा, बल्कि वो प्रश्नों का उत्तर दो ऐसे प्रतिभावान लीडर देंगे जिनको आप भली भांति जानते हैं, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। फ्रेंड वो दो प्रतिभावान लीडर में से एक है मिस्टर अजय शर्मा जी। यकीनन आप इनको जानते होंगे, इनको 20 साल से भी अधिक समय का डायरेक्ट सेलिंग का अनुभव है, काफी अच्छी एजुकेशन भी ये देते हैं नेटवर्क मार्केटिंग का, डायरेक्ट सेलिंग का, और इनकी एजुकेशन से कई सारे डिस्ट्रीब्यूटर लाभान्वित होते हैं और एक अच्छी ग्रोथ ले पाते हैं अपनी कंपनियों में। फ्रेंड हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज वो हमारे बीच में हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर हम उनसे लेने वाले हैं। तो अजय सर आपका इस सेशन में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सो मच। और सर कैसे हैं आप? धन्यवाद, मैं बहुत फर्स्ट क्लास हूं और बहुत बहुत धन्यवाद आप, आज हम सब लोग मिलके एक डायरेक्ट सेलिंग को लेके एक बहुत ही बेहतरीन विचार रखने जा रहे हैं अपने अपने और इसके ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आपने अपना बहुत ही कीमती समय निकाला इस सेशन के लिए, थैंक यू वेरी मच। ऑलवेज वेलकम सर। और फ्रेंड हमारे साथ जो दूसरे लीडर जुड़ रहे हैं वो भी किसी पहचान के मोहताज नहीं है फ्रेंड, उनका नाम है मिस्टर सत्यपाल सिंह सर। इनको काफी अच्छा डायरेक्ट सेलिंग का समझ है, इनको भी बहुत अच्छा डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस है और ये एक नामी इंटरनेशनल कंपनी में ये काफी समय इन्होंने काम किया हुआ है और काफी अच्छी इनको परख है डायरेक्ट सेलिंग का और नेटवर्क मार्केटिंग का। तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ये भी हमारे साथ आज इस सेशन में हैं। तो सत्यपाल सिंह सर आपका इस सेशन में हार्दिक स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने समय दिया और हम व्यक्त करते हैं सर। मैं भी आपका दिल से आभार मैं प्रकट करता हूं कि सर आपने अपने कीमती समय में अपना एक कुछ पल हमारे सेशन के लिए आपने निकाला, आपने थैंक यू वेरी मच सर। तो मैं सबसे पहले अच्छा, आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने जो ये सेशन स्टार्ट किया है डायरेक्ट सेलिंग के मुद्दों को लेकर के जो बात करने की आप बात कर रहे हैं। जैसा कि हमारी आपकी टॉक हुई थी कि हम डायरेक्ट सेलिंग के उन पहलुओं पर बात करेंगे जिसकी वजह से डायरेक्ट सेलिंग की पहचान या तो लुप्त हो गई है या लुप्त होती जा रही है, गलत फहमियाँ पाली जा रही हैं। वाकई डायरेक्ट सेलिंग बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट सेलिंग बहुत बड़ा विकल्प है यूथ के लिए और देश के लिए, और कहीं ना कहीं आपने ये शुरुआत की, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग के उन अनछुए पहलुओं पर हम चर्चा करें ताकि लोगों को होप मिल सके, आशा मिल सके। और मैं आपको इस बात के लिए भी बधाई देता हूँ कि आप इस शो को लगातार जारी रखें और भी बहुत सारे लीडर्स को आप यहाँ बुलाएंगे और इस डायरेक्ट सेलिंग के इस विषय पर खुलकर चर्चा होगी ताकि लोगों को इसका फायदा मिल सके। जी डॉक्टर बिल्कुल सर आप जैसे ग्रेट अगर पर्सनैलिटी का साथ रहा तो ये जो एपिसोड हमने आज स्टार्ट किया है ये आगे भी चलता रहेगा, थैंक यू वेरी मच। तो इस सेशन में सबसे पहला मेरा आप दोनों से एक सवाल है जो बहुत ही
बुनियादी सवाल है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस क्वेश्चन का बहुत ही ईमानदारी पूर्वक उत्तर देंगे आप। सर, हम नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में, हम एक वर्ड सुनते हुए आ रहे हैं और पिछले 2-3 साल से ये वर्ड कुछ ज्यादा ही सुनने में आ रहा है, एथिक्स। तो सर, मैं आप दोनों से मैं समझना चाहता हूं, एक एक हम करके बात करेंगे। पहले एथिक्स और रूल, ये दोनों में सर क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, और इन दोनों की अपनी क्या मान्यता है? विशेष तौर पे हम बात करें नेटवर्क मार्केटिंग की, विशेष तौर पे हम बात करें डायरेक्ट सेलिंग की, एथिक्स का क्या योगदान है और रूल्स का क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहले मैं सतपाल सिंह सर से मैं रिक्वेस्ट मैं करूंगा कि सर, एथिक्स और रूल, इन दोनों में सर क्या समानता है और क्या विशेषताएं है, और कैसे हम डिफ्रेंशिएट हम कर सकते हैं विशेष तौर पे नेटवर्क मार्केटिंग? बिल्कुल ठीक सवाल है डॉक्टर साहब आपका। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये सवाल क्यों आया, हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इस सवाल की बात कर क्यों रहे? क्योंकि 25 साल से डायरेक्ट सेलिंग जब भारत में शुरू हुई तो एक मान्यता हुई कि जो कंपनियां विदेश से आती हैं वो अपने रूल या अपने एथिक्स पे काम करती हैं। भारतीय कंपनी, बहुत सारी कंपनियां आई, बहुत सारे काम किए और एक ऐसी धारणा पैदा हो गई, और ये हमारे व्यवहार में भी है, हमारे विचारों में भी है कि भारतीय हैं तो रूल का फॉलो नहीं करेंगे, नियम का फॉलो नहीं करेंगे, एथिकल नहीं होंगे। डायरेक्ट सेलिंग में विदेशी कंपनियों को बहुत ही एथिकल और रूल को फॉलो करने वाली कंपनियां माना जाता है। कहीं ना कहीं सवाल इसलिए खड़ा होता है कि हम इन रूल और एथिक की बात तो करते हैं लेकिन इसको फॉलो नहीं करते। अगर मैं बात करूं रूल और एथिक ये है क्या, एक्चुअली रूल एक नियम है जो काम को सही तरीके से चलाने के लिए नियमावली और शर्तें तैयार होती हैं, हर कंपनी करती है अपने हिसाब से। एथिक का मतलब यह है कि उनको फॉलो किया जाए ईमानदारी के साथ। कभी कभी हम रूल को अपने स्वार्थ के लिए तोड़ देते हैं। कंपनियों ने रूल बनाए, जब उन्हें लगा कि अपना बिजनेस को और बड़ा करना है और कोई रूल को अगर ब्रेक भी करना पड़ता है तो उसका उन्होंने इस्तेमाल कर दिया, उसको तोड़ दिया, यानी उन्होंने एथिक को तोड़ दिया। रूल तो है लेकिन रूल को तोड़ना यानी एथिक को तोड़ना हुआ। रूल को अगर रूल बनाया है तो रूल बनाया जाता है शुरू में ही किसी चीज को संभालने के लिए, अच्छा करने के लिए, लेकिन जैसे ही निजी स्वार्थ सामने आया तो रूल को खत्म कर दिया। अपनी निजी स्वार्थ को साधने के लिए उन्होंने रूल को ब्रेक किया, रूल को ब्रेक किया यानी वो एथिकल नहीं रहे, उन्होंने अपने एथिक को तोड़ दिया। तो बातें दोनों समानांतर हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। एथिक हमारा व्यवहार है, रूल एक बाध्यता है, तो कभी कभी हम उस बाध्यता को तोड़ देते हैं। और ऐसी धारणा बन गई देश के अंदर, बहुत सारे हमारे डायरेक्ट सेलर तो ये भी कहते हैं हम इसलिए विदेशी कंपनियां करते हैं कि ताकि वह रूल बहुत सख्त होते हैं, वो एथिकल कंपनियां होती हैं, इसलिए भी कई बार देश की कंपनियों को स्वीकार नहीं करते लोग। तो मैं समझता हूँ शायद एथिक और रूल में यही मूल अंतर है कि हम जिस नियम को बनाए आत्मीयता के साथ, विश्वास के साथ, चाहे हमारा नुकसान हो जाए चाहे हमारा फायदा हो, हमें उस रूल को ब्रेक नहीं करना चाहिए। और ये बात केवल कंपनी पे लागू होती हो ऐसा नहीं है, ये लोगों पे भी लागू होती है। अब इसको ऐसे भी समझ लेते हैं, अगर कंपनी उस रूल को बना रही है, कंपनी उसको फॉलो कर रही है तो कंपनी रूल फॉलो कर रही है, लेकिन जो लीडर हैं कंपनी में काम करने वाले, जो डायरेक्ट सेलर हैं, उन्हें उस रूल की अनुपालना करनी होगी अपनी नैतिकता के आधार पर। और अगर वो रूल को फॉलो नहीं करते हैं, गलत तरीके से अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए चीज़ों को लागू करते हैं या काम करते हैं तो फिर एथिकल नहीं कह सकते। कोई भी कंपनी तभी एथिकल बनेगी जब वो कंपनी भी रूल को फॉलो करेगी और उस कंपनी का प्रत्येक एक डिस्ट्रीब्यूटर भी एक बाध्यता के साथ, कमिटमेंट के साथ उसको पूरा करेगा। जी डॉक्टर साहब। जी जी, बहुत ही आपने अच्छी तरीके से आपने क्लियर किया कि रूल और एथिक्स में क्या अंतर है। सर, अगर मैं अजय सर आपसे मैं अगर पूछूं कि ये जो एथिक्स वर्ड है, हालांकि लाइमलाइट में, प्रकाश में आया है पिछले 3-4 साल से, और हम देख रहे हैं कि एथिक्स पे और कई सारी कंपनियां भी अब काम कर रही हैं, बात अब कर रही हैं, कितना जरूरी है सर ये एथिक्स नेटवर्क मार्केटिंग में? सर
बिल्कुल बिल्कुल सर, देखिए सबसे बड़ी जो चीज है वो ये है कि जैसे सतपाल जी ने अभी आपको बताया कि रूल और एथिक में कुछ बेसिक्स फर्क होते हैं ना। अगर हम बात करें कि इसको मैं एक बहुत अच्छे उदाहरण के साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा, मैं आपसे एक सिंपल सा एक सवाल पूछता हूँ कि जब हम कार ड्राइव करते हैं तो कार ड्राइव पे हम लोगों को एक सीट बेल्ट लगानी होती है, तो वो क्यों लगानी होती है? सर अपने सेफ्टी के लिए। जिस दिन ये समझ में आएगा कि कार के अंदर सीट बेल्ट या बाइक के ऊपर हेलमेट जो है वो अपनी सेफ्टी के लिए हमें लगाना है, तब हम उस रूल को फॉलो कर पाएंगे, उसको रूल और एथिक्स बोलेंगे। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर ज्यादातर क्या होता है, या ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हेलमेट तब लगाते हैं इसलिए लगाते हैं या सीट बेल्ट इसलिए लगाते हैं कि हमारा चलान ना कटे। तो जहां पे चलान के डर से हम लोग सीट बेल्ट लगा रहे हैं या हेलमेट लगा रहे हैं या रेड लाइट को जंप नहीं कर रहे हैं, जहां पे हम उस रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं दिल से, एक्चुअल में जिसके लिए उसकी शुरुआत हुई है, तब तक उस रूल को बनाने का भी कोई फायदा नहीं है और उसका जो एथिक्स वर्ड जो हमने दिया उसका भी कोई फायदा नहीं है। मैं एक बहुत अच्छे उदाहरण के साथ समझाता हूँ कि जब मैंने नई नई कार ली थी तो मेरी बिटिया जब मेरे बराबर में बैठती थी तो मैं अपनी जब घर की कॉलोनी से बाहर निकलता था तो उस वक्त मैं सीट बेल्ट नहीं लगाता था, लेकिन जैसे ही मैं रोड पे पहुंचता था और रेड लाइट आसपास आती थी उस वक्त मैं सीट बेल्ट को लगाता था। अमूमन ज्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं। तो कई बार ऐसे ही हुआ, तो एक दिन मेरी बेटी ने मुझसे पूछा कि पापा आप जब घर से निकलते हो तब सीट बेल्ट नहीं लगाते हो, यहाँ आके सीट बेल्ट क्यों लगाते हो? तो मैं उस दिन सोचने पर मजबूर हो गया था कि बात तो ठीक है, उस दिन से मेरी बेटी ने कहीं ना कहीं मुझे मैसेज दिया कि मैं जब घर से निकलता हूँ तभी मैं अपना जो है वो सीट बेल्ट को प्रॉपर लगाता हूँ, क्योंकि सीट बेल्ट केवल हमारे चलान के बचने के लिए नहीं है, सीट बेल्ट जो है वो हमारी खुद की सेफ्टी के लिए है कि कल को अगर एक्सीडेंट हो जाए तो वो सीट बेल्ट हमें सेव करेगी। इसी तरीके से किसी भी कंपनी के अंदर जो एथिक्स होते हैं, जो रूल्स बनाए जाते हैं, वो हम सबकी सेफ्टी के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन वहां पे जैसे भी सतपाल जी ने बोला कि जो कंपनी उस रूल को बना रही है, यानी कि आपने रेड लाइट जंप की, आपने सीट बेल्ट नहीं बांधी है, तो आपको पेनल्टी लगनी चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे ही हम रेड लाइट जंप करते हैं तो वहां पे एक पुलिस ऑफिसर खड़ा होता है, या तो हम उससे सेटिंग कर लेते हैं या वो हमसे सेटिंग कर लेता है, और वो कहता है सर थोड़ा सा पैसा आप दे दीजिए और थोड़ा सा पैसा देके आप जा सकते हैं। मान लीजिए चलान है 1000 रुपए का, हमने 200 रुपए पकड़ाए और चले गए, तो इससे क्या है, जिसने रूल बनाया उसने भी ब्रेक किया और जिसने उस रूल को फॉलो नहीं किया उसने भी ब्रेक किया, और वो 100-200 रुपए के चक्कर में ये रूल्स जो हमेशा ब्रेक होते रहते हैं। इसीलिए तमाम कंपनी के अंदर रूल्स तो बनाए जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे बिजनेस बढ़ना शुरू हो जाता है, जैसे जैसे लीडर बहुत बड़ा बिजनेस देना शुरू कर देता है, किसी कारण से कंपनी सही होती है, लेकिन वो जब लीडर जो है वो रूल को जो ब्रेक करता है तो कंपनी इस लालच में उस ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह कि इस लीडर के ऊपर अगर हम कोई एक्शन लेंगे तो ये लीडर ना छोड़ दे, तो वो भी एथिक्स के साथ खिलवाड़ करता है। तो एथिक्स और एथिक्स का जो है वो बहुत जरूरी, जिस तरीके से ट्रैफिक में निकलते समय हेलमेट और सीट बेल्ट का जरूरी है या रेड लाइट जंप करना जरूरी है कि भाई नहीं करना है आपको, उसी तरीके से किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर एथिक्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर हमें अपनी लीडरशिप को जिंदा रखना है। जी थैंक यू वेरी मच अजय सर और सतपाल सर की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बहुत ही सटीक उत्तर आपने दिया है, और जितने भी लोग इस सेशन को देख रहे होंगे तो वो अब उनको इस क्वेश्चन का उत्तर मिल गया होगा और अब दोबारा इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन उनके दिमाग में उठेगा नहीं। अजय सर मेरा आपसे एक सवाल है कि डायरेक्ट सेलिंग पूरे विश्व में जैसे हम लोग जानते हैं कि लगभग 70-75 साल से चल रही है, हमारे भारत में अगर हम देखें तो पिछले 25-30 साल से ये इंडस्ट्री है, लेकिन एक डेटा हम देखते हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कि सर 95% लोग ज्वाइन तो करते हैं लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। जो वो सपने लेके आए थे, जो वो ड्रीम लेके आए थे डायरेक्ट सेलिंग में, वो उनका पूरा नहीं हो पाता है। केवल 5% लोग ही यहां पे सक्सेसफुल लोगों के कतार में शामिल होते हैं। जब हम ध्यान से देखते हैं तो ये 5% लोग जो सक्सेसफुल लोगों की कतार में शामिल होते हैं, जो सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूटर बन पाते हैं, जो अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं, जब हम ध्यान से देखें तो ये 5% लोगों में एक गुण होता है जिसको बोलते हैं लीडरशिप गुण। तो सर मेरा इसी से रिलेटेड सवाल है कि सर लीडरशिप के गुण क्या क्या होते हैं, और कोई एक डिस्ट्रीब्यूटर संपूर्ण रूप से लीडर हो जाए इसमें कितना समय लग जाता है? इस तरह के क्वेश्चन कई सारे लोगों के मन में उठता है, तो उन्हीं सभी का क्वेश्चन है सर, तो प्लीज आप इसका उत्तर अगर देंगे तो हम लोग सभी लाभान्वित होंगे।
जी जी बहुत अच्छा सवाल है आपका, और मैं इतने सालों से इस इंडस्ट्री के अंदर हूँ और आज दोनों तरफ से मैं पहचाना जाता हूँ। कुछ लोग मुझे अच्छा भी मानते हैं, कुछ लोग मुझे बुरा भी मानते हैं। नेचुरल सी बात है, मेरे साथ ही नहीं होता ये तमाम, इस इंडस्ट्री में या इस इंडस्ट्री बाहर भी आप देखेंगे तो अगर एक हीरो है, एक एक्टर है तो कुछ के लिए अच्छा होगा, कुछ के लिए बेकार होगा। एक अगर पॉलिटिशियन है तो कुछ के लिए अच्छा होगा, कुछ के लिए बेकार होगा। बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया लीडरशिप। देखिए, लीडरशिप एक ऐसा वर्ड है, खासकर डायरेक्ट सेलिंग की अगर मैं बात करूं, विदाउट लीडरशिप आप बहुत बड़ा व्यापार जो है, बहुत बड़ी अचीवमेंट जो है डायरेक्ट सेलिंग में तो कम से कम आप शायद नहीं ले सकते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग में लीडरशिप का बहुत ही अहम रोल होता है, बहुत सबसे जरूरी अगर मैं रोल बोलूं तो लीडरशिप का रोल होता है। बगैर लीडरशिप के आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है लीडरशिप में, जो आपने पूछा कि लीडरशिप के कुछ विशेष गुण, ये मैं नहीं मानता हूं कि एक वीडियो के अंदर भी हम खत्म कर सकते हैं, ये पूरा एक चैप्टर है, इसके लिए पूरे दिन की ट्रेनिंग भी वो है कम है। लेकिन लीडरशिप में भी अगर सबसे जरूरी चीज, अगर मैं किसी चीज को मानता हूं, क्योंकि मैंने एक बुक पढ़ी थी, बुक में लिखा था कि लीडर की दिशा और लीडर की गति ही टीम की गति का निर्धारण करती है। यानी कि जो लीडर की गति होगी वही कहीं ना कहीं टीम की गति होगी, जो लीडर की सोच होगी वही टीम की सोच होगी। तो जो अभी हमने पहले जो डिस्कशन किया एथिक्स, उस एथिक्स से ही मैं इस बात को कनेक्ट करूंगा कि लीडरशिप का सबसे पहला गुण होता है ईमानदारी। अगर लीडर खुद ईमानदार नहीं है तो फिर लीडरशिप का कोई फायदा नहीं है। दो तरीके के लीडर हैं, एक बेईमान लीडर है जो सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं। अगर मैं उसी सोच के साथ चलूंगा कि मुझे अपना स्वार्थ, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हमें जो सिखाया गया, हमें जो समझ में आया और आज इस इंडस्ट्री को जो मैसेज एक्चुअल में जाना चाहिए वो ये है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में मैं खुद बड़ा बनने के लिए नहीं आया हूँ। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मैंने या आपने या किसी और व्यक्ति ने इसलिए किया है क्योंकि हमें एक एजुकेशन ट्रेनिंग के माध्यम से दी गई थी कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के माध्यम से हम बहुत सारे लोगों की जिंदगी के अंदर बदलाव लेके आ सकते। तो जहाँ पे हमारा संबंध, जहाँ पे हमारा लिंक जो है बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ जाता है, उस वक्त हमें सबसे पहले ईमानदार होना मेरे लिए सबसे पहले बहुत ज्यादा जरूरी है, या किसी एक लीडर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये उसी तरीके से मैं बोलूंगा कि आप अकेले अगर कार को ड्राइव कर रहे हैं, हो सकता है आप कैसे भी कर लें, उस वक्त आपको किसी चीज का ख्याल ना आए, लेकिन जब आपके कार के अंदर आपकी फैमिली बैठ जाती है या आपके साथ बहुत सारे लोग सफर कर रहे होते हैं, आपके रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी, तो आप उस वक्त बहुत जिम्मेदार बन जाते हैं, क्योंकि अब आपको लगता है कि आपकी फैमिली को अगर कुछ हो गया तो क्या होगा। जबकि आपकी वजह से फैमिली डिस्टर्ब होगी, लेकिन आपके मन में पॉजिटिव माइंड आना शुरू हो जाता है जब आपके साथ कोई दूसरा सफर करता है। एक बहुत अच्छा उदाहरण हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में इस बात पे देते हैं कि आपने देखा होगा एक अंधा जो व्यक्ति है, कभी रोड पे जब निकलता है, किसी अंधे व्यक्ति का आपने एक्सीडेंट देखा डॉक्टर साहब आज तक? नहीं सर। और आंख वालों का? बहुत ज्यादा, काफी आंख वालों के एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन किसी अंधे व्यक्ति का एक्सीडेंट नहीं होता। उसके पीछे का रीजन क्या होता है? जब अंधा व्यक्ति रोड पे निकलता है तो जब वो रोड पे सड़क पार करने की कोशिश करता है तो आपके जैसे, मेरे जैसा कोई इंसान उसका हाथ थाम लेता है एक भावनात्मक रूप में कि चलो हम इसकी कुछ हेल्प कर देते हैं। और जब हम उसका हाथ थामते हैं ना, हो सकता है आप और मैं भाग के सड़क पार करते हो या कई बार ऐसे ही जल्दबाजी में सड़क पार करते हो, लेकिन जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, जब जिम्मेदारी आ जाती है उस व्यक्ति की जो देख नहीं सकता है, तो उस वक्त मैं और आप बहुत जिम्मेदारी के साथ सड़क पार करते हैं या उसको करवाते हैं, क्योंकि अब किसी और की जिंदगी भी हमारे हाथ में है। तो मेरा मानना यह है कि लीडरशिप का मतलब यह है कि आपके साथ बहुत सारे लोगों का जीवन जुड़ा होता है। अगर आप कोई गलत स्टेप लेते हैं, अगर आप कोई गलत तरीके से काम करते हैं, तो आपकी टीम वही सब चीज सीखती है और फिर एक अच्छी लीडरशिप और एक अच्छी ग्रोथ और एक अच्छी कंपनी का निर्माण कभी नहीं हो सकता। तो लीडरशिप का बहुत बड़ा रोल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर है। और लीडरशिप कितने दिन में सीखी जा सकती है, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। पीछे सतपाल जी ने भी इसके लिए लाइव किया था, ये आपकी खुद की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। हम इतने साल से ईमानदारी की बात कर रहे हैं, हम इतने सालों से एथिक्स की बात कर रहे हैं, हम इतने सालों से जिस भी कंपनी के अंदर हम लोग ज्वाइन करते हैं, या कोई भी हमारा व्यूअर अगर देख रहा होगा, आप किसी भी कंपनी के अंदर ज्वाइन करते हैं तो आप सबसे पहले अपनी अप्लाई से पूछते हैं, सर कंपनी बंद तो नहीं होगी, कंपनी के अंदर कोई गलत काम तो नहीं होगा। हम 1000 सवाल पूछते हैं कि कंपनी भाग नहीं जाएगी, बंद नहीं हो जाएगी, कंपनी में गलत काम नहीं होगा, अपनी अप्लाई से भी सवाल पूछते हैं। तो उस वक्त पे जब हम काम करना शुरू करते हैं तो हमें अपने आप से भी सवाल करना चाहिए कि क्या हम गलत काम तो नहीं करेंगे। और जब हम गलत काम करते हैं तो हमारी तमाम जो लीडरशिप है वो गलत देखती है और उसी को फॉलो करती है। तो ये अपने ऊपर है, कोई चाहे तो पहले दिन से सीरियसली सीख के लीडरशिप को सीख सकता है, और ना चाहे तो मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो 20-20 साल से इस इंडस्ट्री में, उनके अंदर लीडरशिप आज तक नहीं आई। सतपाल सर, एक क्वेश्चन है जो कि बहुत ही कंफ्यूजन पैदा करता है।
काफी सारे लोग बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग बड़ी अच्छी है, कई सारे लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बड़ी अच्छी होती है, जबकि मुझे तो लगता है ये डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्या मेरा ये मानना सही है कि डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? अगर नहीं तो सर मैं आपसे चाहता हूं कि इसको थोड़ा सा क्लेरिफाई आप कीजिए कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है और नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, ये दोनों कैसे अंतर एक दूसरे से और इन दोनों की क्या अपनी अपनी विशेषताएं हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल आपने लिया है और ये सवाल आपका ही नहीं, ये बहुत लोगों का है और मैं इसे क्लियर करने में बहुत सारी कोशिश करता हूँ कि मैं इसे क्लियर कर पाऊँ। इसे क्लियर करने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि इंसान और इंसानियत में क्या फर्क है। जैसे इंसान और इंसानियत में फर्क है वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में फर्क है। डायरेक्ट सेलिंग एक मॉडल है, नेटवर्क मार्केटिंग एक सिद्धांत है काम करने का। अब मॉडल क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग, जैसा कि आपने समझा कि डायरेक्ट सेलिंग यानी मिडिलमैन को बाईपास किया और आपने एक ट्रेडिशनल के विपरीत एक सिस्टम तैयार किया कि भाई डायरेक्ट जो प्रोडक्ट बनेगा सीधा कस्टमर को जाएगा। लेकिन अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए जो सिद्धांत बनाया है वो है नेटवर्क मार्केटिंग का इस्तेमाल करके हम अपने टाइम को कंपाउंड करते हैं, अपनी एनर्जी को बढ़ा लेते हैं, ये सिद्धांत है। नेटवर्क मार्केटिंग तो कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है, उसके लिए डायरेक्ट सेलिंग का होना जरूरी नहीं। मान लीजिए उदाहरण देता हूँ, प्लॉट बेचने का काम आप नेटवर्क माध्यम से कर सकते हैं, जबकि प्लॉट किसी फैक्ट्री में नहीं बनते। आप कैमरे बेचने का काम कर सकते हैं, आप बाइक बेचने का काम कर सकते हैं, आप कोई एजुकेशन बेच सकते हैं जिसकी मैन्युफैक्चरिंग ही कहीं नहीं होती है। नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब है नेटवर्क बना के मार्केट करना, और नेटवर्क मार्केटिंग तो आपके ट्रेडिशनल में भी होती है। भाई जो होलसेलर है वो किसी के नेटवर्क का हिस्सा है, उसका रिटेलर है वो किसी के नेटवर्क का हिस्सा है, C&F का पूरा नेटवर्क फैला रखा है। तो नेटवर्क बना के हम अपने व्यापार को द्रंत रूप देते हैं, बड़ा रूप देते हैं, ये एक सिद्धांत है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक मॉडल है। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ये है उसमें बाध्यताएं हैं कि आपने बीच के मिडिलमैन को नहीं रखना है, आपने डायरेक्ट फैक्ट्री टू कंज्यूमर उसको रिटेल करके भी आप पैसा बना सकते हैं। यानी ये दोनों चीजों का एक संगम है, दोनों का एक मिलाप है। आज मार्केट में देखने को ये मिल रहा है कि लोग डायरेक्ट सेलिंग में नहीं है लेकिन वो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, और यही बड़ा कारण है जो लीडरशिप के ऊपर जो आपने अभी सवाल किया था वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। जो नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले लोग हैं वो अनएथिकल प्रैक्टिस करेंगे, उनका एक ही मकसद है किसी भी तरह से नेटवर्क को बढ़ाना, सामान को ज्यादा बेचना और पैसे कमाना। डायरेक्ट सेलिंग का एक मूल सिद्धांत यह है कि आप लीगेसी क्रिएट करें, एक ऐसे नेटवर्क का निर्माण करें, एक ऐसे प्रोडक्ट की कॉन्सेप्ट को तैयार करें ताकि आप लीगेसी और एक लंबी समय के लिए इनकम आप जनरेट करें। और यही एथिक और रूल टूटने वाली बात आ जाती है जहां आपको डायरेक्ट सेलिंग का पोटेंशियल क्लियर हो जाएगा कि डायरेक्ट सेलिंग आखिर है क्या, हमारे आने वाली जेनरेशन के लिए बनाया जाने वाला व्यापार है, तो फिर वहां हम अपने रूल और एथिक्स भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि रिलेशनशिप अच्छे होंगे तभी तो हम लंबे समय तक एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे। अगर हमें चंद समय के लिए पैसे बनाने की बात सोचनी है तो ना तो हमें डायरेक्ट सेलिंग की बात करनी है, हमने नेटवर्क मार्केटिंग में जाना है, लोगों को बेवकूफ बनाना है, बड़ा नेटवर्क तैयार करना है, प्रोडक्ट को जैसे चाहे उल्टा सीधा बल्क बाइंग करा के बेचना है और वहां से पैसे बनाना है, हमें निकल जाना है क्योंकि हमने उनके साथ लंबे समय तक तो रहना ही नहीं है। तो एक मूल अंतर है, डायरेक्ट सेलिंग आपके जीवन के लिए, आने वाली जेनरेशन के लिए बनाया गया सैद्धांतिक और एक बहुत ही स्टेबल बिजनेस है, और नेटवर्क मार्केटिंग साम दाम दंड भेद द्वारा अपनाया गया पैसे कमाने के लिए बनाया गया एक बिजनेस। अब सवाल यह है कि आप चाहते क्या है। अगर आप चाहते हैं कि आप एक स्टेबल बिजनेस बनाएं तो आप डायरेक्ट सेलिंग के सिद्धांतों को फॉलो करें, डायरेक्ट सेलिंग की मूल आत्मा को आप अपनाएं तो आप एक अच्छे लीडर भी बनेंगे और आपका व्यापार भी अच्छा बनेगा। तो वैसे तो कोई अंतर इसको कह नहीं सकते हम, लेकिन इसको समझने के लिए बहुत बड़ा। तो सर मेरा इसी से, हाँ जी सतपाल सर, इसी से रिलेटेड मेरा एक सवाल है। कुछ शब्द हैं ऐसे जो आज बहुत ज्यादा प्रचलन में है, जैसे कि मैं नाम लू MG, मंथली गारंटी, पावर लैग, ये सब चीजें जो है
ये आजकल बहुत ज्यादा प्रचलन में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो शब्द है या ये जहां इस्तेमाल किया जाता है, ये नेटवर्क मार्केटिंग में इस्तेमाल किया जाता है, डायरेक्ट सेलिंग में इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसका मतलब तो यही हुआ। मैंने बताया ना सर आपको कि साम दाम दंड भेद अपना करके अपनी कंपनी को बढ़ाना, अपने व्यापार को बढ़ाना। और आज तो ये भी कहते हैं लीडर्स कि अगर आप लाख रुपए कमा रहे हैं तो 50,000 रुपया आप लोगों को लाने पर खर्च कर दीजिए। कंपनियां लीडर को खरीदती हैं, लीडर को नहीं खरीदती, वो एक्चुअली सेल को खरीदती हैं। तो उन्हें ट्रेडिशनल मार्केट के ही आदत बनी हुई है, वो डायरेक्ट सेलिंग के मूल सिद्धांत को समझे ही नहीं है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि 25 साल बीत जाने के बाद भी हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग की तरह काम ही नहीं कर रही है, तभी तो इसका बड़ा रिजल्ट नहीं है। आज हमारी मानसिक जो सेटिंग है माइंड की, वो आज भी ट्रेडिशनल की बनी हुई है। आज भी हम ये देख रहे हैं कि भाई इतना कमाते हो इतना तो खर्चो, तो कंपनी भी यही सोच रही है, लीडर भी यही सोच रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है ऐसी कंपनियां या ऐसे लीडर अगर ऐसे विचार रखते हैं तो वो डायरेक्ट सेलिंग की मूल आत्मा पर काम नहीं करते, वो नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर काम करते हैं। उनका काम सिर्फ सामदाम दंडभेद पैसे कमाना है, उनका रॉयल्टी से, अपनी इमेज से, अपने व्यक्तित्व से कोई लेना देना नहीं। तो हमको सर नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ के डायरेक्ट सेलिंग को ज्यादा प्रमोट करना चाहिए, राइट सर? हमें डायरेक्ट सेलिंग को ही देखिए, अगर मैं केवल पैसे कमाने की बात करता, जो मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आके सामदाम दंड भेद अपना के पैसे कमाता, तो सर फिर मुझे इस प्रोफेशन में आने की आवश्यकता क्या थी? मैं तो बिल्डर था, कंस्ट्रक्शन कंपनी मैंने 25 साल चलाई है, मेरी अच्छी इनकम हो सकती थी और थी। और अगर मैं आज भी चाहूँ, मैंने एक सवाल पूछा है काफी लोगों से कि 25 साल जिस इंडस्ट्री में मैंने लगाए हो, मुझे अपना करियर उसी में लगाना चाहिए या मुझे नए धंधे में जाना चाहिए? लेकिन मैं उसको छोड़ के नए धंधे यानी डायरेक्ट सेलिंग में आया, तो पैसे का तो कोई उसूल था नहीं, पैसे का तो कोई वास्ता था नहीं। मैं ये चाहता हूं कि मेरी उम्र अब आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रही है, मैं ऐसा काम करके कोई चला जाऊं मेरे परिवार के लिए, समाज के लिए, इस देश के लिए, इस यूथ के लिए मैं कुछ दे सकूं। इस भावना को ध्यान में रखते हुए हमने डायरेक्ट सेलिंग को चुना और शायद इस भावना को पूरा करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। लेकिन शर्त वही है कि डायरेक्ट सेलिंग को डायरेक्ट सेलिंग समझ के करना पड़ेगा। अगर नेटवर्क की शर्तों पे हम करेंगे तो वही होगा जो हम ट्रेडिशनल में कर रहे थे। धन्यवाद सर, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी इन सारी बातों से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। अब एक सवाल लेते हैं। अजय सर, जैसे कि हम सबको मालूम है कि आपको डायरेक्ट सेलिंग में पिछले 20 से 25 साल का अच्छा खासा अनुभव है, इस डायरेक्ट सेलिंग को अच्छी तरह आप समझते हैं। तो सर, जैसे कि अभी सतपाल सर अभी एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे कि नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग में क्या अंतर है, इन्होंने समझाया भी हमको। तो सर अभी मेरा आपसे ये सवाल है कि अभी हमारे भारत में चाहे डायरेक्ट सेलिंग बोल लीजिए चाहे नेटवर्क मार्केटिंग के रूप में समझ लीजिए, 25 साल का एक्सपीरियंस है, तो आज के समय में सर डायरेक्ट सेलिंग की क्या स्थिति है हमारे भारत में? देखिए, ये तो मैंने काफी टाइम पहले जब सतपाल जी ने मेरा इंटरव्यू लिया था एक बार, तब भी मैंने बताया था और सतपाल जी ने मेरी बात को काटा था कि हम 25 सालों से एक ही बात बोलते जा रहे हैं कि ये डायरेक्ट सेलिंग अगले कुछ सालों में ठीक हो जाएगी, अगले कुछ सालों में ठीक हो जाएगी। तो मेन जो चीज है वो ये सर, देखिए डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य तो उज्जवल है, इसमें कहीं से कहीं तक कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट आप अपनी लाइफ को चेंज करते हैं, जिसमें किसी भी तरीके की कोई बहुत बड़ी लाइबिलिटी आपके ऊपर नहीं होती है। तो जहां पे लाइबिलिटी नहीं है तो इससे बढ़िया, इससे शानदार तो कोई बिजनेस हो नहीं सकता। दूसरा जो मैं बात कहना चाहूंगा वो ये है कि यहाँ पे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कोई नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे जाति धर्म आपका कोई नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक चीज चाहिए कि आप सफल होना चाहते हैं और आप ड्रीमर हैं, आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं और सीखने के लिए तैयार हैं। जो इंसान अपने सपनों को पूरा करना चाहता है, सीखने के लिए तैयार है और सबमिशन मोड में आने के लिए तैयार है, और जिसके ड्रीम है, वो विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट इस सिस्टम के अंदर कामयाब हो सकता है। ये चीज बताई गई है। आज की डेट में अगर आप गवर्नमेंट का कोई जॉब का भी फॉर्म भरने जाते हैं या स्कूल में बच्चे का एडमिशन भी कराने जाते हैं, वहां आपका जाति धर्म पूछा जाता है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जाति धर्म पूछा जा रहा है। अब ऐसी इंडस्ट्री जहां पे पैसे की भी जरूरत नहीं है, ऐसी इंडस्ट्री जहां पे कास्टिज्म भी नहीं है, ऐसी इंडस्ट्री जहां पे ऊंच नीच भी नहीं है,
एक ही स्टेज पे सब लोग खड़े होके अपनी अपलाइन की रेस्पेक्ट करते हैं, अपलाइन डाउनलाइन की रेस्पेक्ट करता है, चाहे वो किसी भी सेगमेंट से या किसी भी कास्ट से आते हैं, यहाँ पे इस तरीके कोई नहीं है। और वाकई प्रूफ भी हो चुका है कि इंडस्ट्री में ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े पे आउट कमाए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से। और डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क बिजनेस में मैं सिंपल सी एक बात कहना चाहूंगा कि नेटवर्क बिजनेस में ज्यादातर लोग बर्बाद हुए हैं, और नेटवर्क बिजनेस की वजह से ही आज तक बहुत सारे जो लोग इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं वो आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट टाइप के प्लान थे, वहां पे एक मोटा अमाउंट लगाना पड़ता था। मैं जब कई बार मैं भी नेटवर्क बिजनेस की किसी कंपनी में जुड़ा तो वहां हमने देखा कि 15,000 का कोई पैकेज हम सेल करा रहे हैं, और सामने जिसको हम प्लान दिखा रहे हैं उसकी 10,000 सैलरी है। अब जिस इंसान की 10,000 की सैलरी है उसको आप 15,000 का अगर पैकेज सेल करा रहे हो तो उसकी तो एक महीने की क्या डेढ़ महीने पूरे डेढ़ महीने की सैलरी चली गई। और ऐसी सिचुएशन में अगर वो व्यक्ति कामयाब नहीं होता तो वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है, और फिर वो इंसान अपनी अपलाइन पे और इस इंडस्ट्री के ऊपर एक ब्लेम लगाना शुरू कर देता है, जो कहीं हद तक वो ठीक है कि मेरा पैसा फंस गया। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में पैसा नहीं फंसता, लेकिन आज की डेट का हमारा दुर्भाग्य हो सकता है कि आपका अगला टॉपिक शायद कहीं उसी के आसपास घूमता हो कि आज की डेट के अंदर डायरेक्ट सेलिंग को भी इन्वेस्टमेंट प्लान बना दिया है। और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी मैं ये देखता हूं कि जितना MLM वालों ने लूटा या जितना नेटवर्क बिजनेस वालों ने लूटा या जितना इन्वेस्टमेंट वालों ने लूटा, उससे ज्यादा कहीं ना कहीं बल्क बाइंग के रूप में बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करके कुछ ऐसे लीडर हैं जो डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे भी जिन्होंने लूट मचा रहे। जी अजय सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं पूरी रूप से सर सहमत हूं कि ये जितनी भी गलतियां हो रही हैं ये सारी गलतियां अगर रुक जाएं, चाहे वो बल्क परचेस के नाम पे हो, चाहे वो पावर लेग के नाम पे हो, या लोगों को भ्रमित करने के नाम पे हो, ये सारी चीजें अगर रुक जाए तो ये इंडस्ट्री पहले भी पवित्र थी, अब जो थोड़ा बहुत जो दाग लगा है ये हटके और भी अच्छी तरह से पवित्र हो जाएगी, और लोगों की श्रद्धा इस प्लेटफॉर्म पे और भी ज्यादा होती चली जाएगी। सतपाल सर, मेरा एक सवाल है आपसे, डायरेक्ट सेलिंग में जो भी डिस्ट्रीब्यूटर शामिल होते हैं, उनके मेंटर, उनके अपलाइन या जो उनको स्पॉन्सर या जिनके माध्यम से वो जुड़ते हैं, वो उनको बताते हैं कि आपको यहाँ पे सिस्टम से काम करना है, मेहनत से काम करना है, जो भी आपको ट्रेनिंग मीटिंग में समझाया जाता है उसको पूरा अमल में लेके आना है आपको, और शिद्दत से काम करना है। और वो डिस्ट्रीब्यूटर शिद्दत से काम करता है, सिस्टम से काम करता है, मेहनत से काम करता है, जो भी उसके मेंटर अपलाइन जो भी ट्रेनिंग मीटिंग में बोलते हैं उसके अनुरूप वो व्यक्ति काम करता है। लेकिन वो काम करते करते मान लीजिए उसको अच्छा अरसा हो चुका है, कम से कम 2 से 3 साल हो चुका है, और उसको अब वहां पे मन माफिक रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो अब अगर वो अपनी कंपनी को स्विच करने की कोशिश वो करता है और छोड़ता है कंपनी को किसी और कंपनी में जाने के लिए, तो हम देखते हैं कि उसको तरह तरह की बातों का सामना करना पड़ता है, भगोड़ा गद्दार इस तरह से उनको नवाजा जाता है। तो सर मेरा पहला सवाल है कि क्या कंपनी स्विच करना यानी चेंज करना क्या सही है, और किस सिचुएशन पे एक डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी को स्विच कर सकता है? सर जी, सर जी जी, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब देखिए इसमें कई बातें जुड़ी हैं आपके सवाल के अंदर। सबसे पहला सवाल तो आपका ये है कि कंपनी बदलना कितना जायज है। मैं कहता हूं बिल्कुल जायज है, हम इंडस्ट्री को नहीं बदल रहे हैं, हम कंपनी को बदल रहे हैं। ये बात मैं बार बार कह रहा हूं कि कंपनी बदलना बिल्कुल अपराध नहीं है। हमने अपने जीवन में सफल होने के लिए न जाने कितने कामों को बदला है लेकिन सफलता का पीछा किया है। अगर हम इस इंडस्ट्री में सफल होना चाहते हैं, क्योंकि कंपनियां अब एक नहीं रह गई है, कंपनियां हैं 400 से ज्यादा, किस कंपनी की नियति क्या है, और नए डिस्ट्रीब्यूटर के पास तो ना उतनी नॉलेज होती है ना उतनी जानकारी होती है कि वो कैसे किसी प्लान को चुने, कौन सी कंपनी को समझे। वो जाने अनजाने बेचारा डायरेक्ट सेलिंग के चक्कर में, डायरेक्ट सेलिंग के प्रमोशन को देख के वो किसी ऐसी कंपनी में जुड़ जाता है जो कंपनी गलत होती है, गलत काम कर रही होती है, तो क्या उसको उसी कंपनी में रहना चाहिए? क्यों नहीं, जब उसकी जानकारी बढ़ जाए, उसे ज्ञान हो जाए कि मैं गलत कंपनी में हूं, इससे बेहतर कंपनी कोई दूसरी भी है, तो क्यों ना उसको बदल लेना चाहिए? इसमें अपराध क्या है? या तो कंपनियां कोई सरकार के द्वारा प्रमाणित हों कि भाई ये डायरेक्ट सेलिंग की असली कंपनियां हैं, अब आप किसी एक कंपनी में जाइए और सफल हो जाइए, तब तो हम भी कहते हैं कि भाई कंपनी बदलना गलत है। जब सरकार के द्वारा निर्धारित किसी मापदंड पर खरी उतरने वाली कोई कंपनी है ही नहीं,
तो वो तो अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा ना कि सच क्या है गलत क्या है। तो एक तो ये तरीका है, एक तो ये बात विषय है कि उसे कंपनी को बदलना चाहिए। आप किसी के घर पे गए नए डिस्ट्रीब्यूटर के घर प्लान दिखाने के लिए, आपने उसको ड्रीम दिखाई, कंपनी बताई, उसे क्या पता ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, फ्रॉड कंपनी है, अच्छी कंपनी है। वो तो कहेगा ठीक है आपने प्लान दिखाया, मैं आपके साथ ज्वाइन हो जाता हूँ। जब वो ज्वाइन हो जाता है तब इस इंडस्ट्री से रूबरू होता है, सोशल मीडिया पे जाता है, तब समझता है अरे इससे बढ़िया तो कोई और भी कंपनी थी, इसे सस्ते प्रोडक्ट भी थे, इसे तो उसे बदलने का अधिकार उसको मिलना चाहिए, उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाना चाहिए। अगर सवाल उठाना है तो जब वो इंडस्ट्री को क्विट करे तब करना चाहिए कि आप इंडस्ट्री को छोड़ के गलती कर रहे हैं, कंपनी को छोड़ के कोई गलती नहीं कर रहे। तो मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर कोई सवाल उठना चाहिए। दूसरा सवाल आपने इसमें जोड़ दिया था कि सिस्टम के साथ काम करना, 4-5 साल तक काम करते हैं सिस्टम के साथ लेकिन सफल नहीं होते। सर सिस्टम क्या है? सिस्टम भी क्या किसी सरकार के द्वारा निर्धारित कोई कोर्स है? लीडरों ने अपने स्वार्थ के लिए अपने हिसाब से अपने सिस्टम को बनाया हुआ है। मैं समझता हूं सिर्फ एक ही सिस्टम है डायरेक्ट सेलिंग का, वो है सच्चाई, ईमानदारी, कर्मठता, रिलेशनशिप बनाना, ये सब आपको आना चाहिए, लोगों के साथ व्यवहार करना आना चाहिए, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है, सच्चाई पे अपने बिजनेस को बढ़ाना है। इस सिस्टम को सीखने में वक्त लगता है। तो ये सिस्टम अगर किसी कंपनी में है और उसके आधार के बाद भी अगर वो बंदा गलत काम कर रहा है तो वो सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल है क्या ये सिस्टम किसी कंपनी में है? तो सिस्टम कोई स्पेशल सिस्टम नहीं है। अगर किताबें पढ़ाने की बात हो रही है तो आपकी नेचर बदलने के लिए, आपके व्यवहार को बदलने के लिए, आपकी रिलेशनशिप का ज्ञान बढ़ाने के लिए आपको किताबें पढ़ाई जा रही हैं, बिजनेस की जानकारी देने के लिए मीटिंगें कराई जा रही हैं, ये सब जानकारियों का ही तो इस वजह से सिस्टम तो कोई स्पेशल तो ऐसा है नहीं, हमने बना लिया अपने हिसाब से। तो कोई आदमी आजकल तो ये चल रहा है, बड़ी हैरानी की बात होती है कि 6,000-6,000 रुपये में वो आपको सिस्टम की नॉलेज दे रहे हैं और 1,000 रुपये का खर्चा भी एक व्यक्ति पे नहीं आ रहा है, 5,000-5,000 रुपये एक्स्ट्रा लेके डायरेक्ट सेलिंग से ज्यादा पैसा वो सिस्टम सिखाने के नाम पे ले रहे हैं। बहुत सारे सवाल हैं डॉक्टर साहब, जितनी आप पढ़ते हैं और किताबें खोलेंगे उतना ही ज्यादा आप इसमें घुसते चले जाएंगे, धंसते चले जाएंगे। अभी जो सतपाल सर ने बोला था उसी में मैं एक लाइन और ऐड करूंगा। मैं एक बार लाइव गया था, लाइव में मैंने बोला था कि कोई बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कंपनी चेंज करना गलत है, तो मैं तो ये कहता हूं कि गवर्नमेंट से बात करके कंपनी के अंदर एक रूल ही डाल दो ना आप, कि एक बार आपने जिस डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों कर लिया उसके बाद दूसरे कर ही नहीं सकते हैं। ये समस्या पता है क्या, ऐसा पहले नहीं था। ये आपने देखा होगा, राजनीति हो या युद्ध हो, कई बार क्या होता है कि आप लड़ाई लड़के जो जंग नहीं जीत सकते वो माइंड गेम से जीत जाते हैं। तो ये बड़े बड़े लीडर्स के द्वारा और बड़ी बड़ी मैनेजमेंट के द्वारा एक तरीके से आरोप प्रत्यारोप इस तरीके से उस व्यक्ति के ऊपर लगा दो, 2-4 लोगों के ऊपर, कि वो इतना होपलेस हो जाए, इतना घबरा जाए, उसकी इतनी आलोचना कर दो वीडियोस बनवा बनवा के कि वो बेचारा दूसरा कोई इंसान हिम्मत ना करे हमारी कंपनी से। आपको ध्यान होगा कि मैं जब पहले लाइव आता था तो डिस्ट्रीब्यूटर हैं हमारे मित्र हैं, तो उन्होंने एक बात बोली थी कि सर जो जिगरा आपके अंदर है सर, सोशल मीडिया पे आप आते हो और इतने लोग आपके खिलाफ बात करते हैं, कमेंट करते हैं, सर वो हिम्मत हमारे अंदर नहीं है, वो जो जज्बा है वो हमारे अंदर नहीं है। तो ये चीज क्या होती है कि एक लीडर छोड़ के जाए, ये माइंड गेम है, ये टेक्निक है। अगर कोई लीडर आपकी कंपनी छोड़ के जा रहा है तो उसकी इतनी खिलाफत कर दो, उसके बारे में इतना गलत बोल दो, क्योंकि आदमी अपनी इज्जत पे सबसे ज्यादा मरता है, तो बाकी जो लीडर हैं वो डर जाएं कि यार इसकी इतनी वायरल वीडियो होगी, इसके बारे में इतना उल्टा सीधा बोला जा रहा है, कल को यार मेरे बारे में भी होगा, तो वो आपके पास ही टिका रहा है, वो ना जाए। ठीक है, सीधी सी बात है, जब आपको एक नौकरी में अच्छी खासी सैलरी नहीं मिल रही है और आपके सामने अगर कोई दूसरी जॉब है जो आपको मिल रही है और जो अच्छा पैसा आपको दे सकती है, तो एक इंसान चेंज करता है। तो मेरा मानना है कोई कंपनी चेंज करना कोई भी गलत बात नहीं है, जितने भी हमारे व्यूवर्स सोच रहे हैं इसमें, बस एक चीज है कि अपने लालच के वश अगर आप कंपनी चेंज कर रहे हैं, अपने पर्सनल लालच के वश अगर कंपनी चेंज कर रहे हैं तो वो गलत है, वो अनएथिकल है। अजय सर, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि डायरेक्ट सेलिंग में हम देख रहे हैं और पिछले कुछ दिनों से अब हम ज्यादा देख रहे हैं कि बहुत सारे लीडर अपना अपना एक कोर्स लेके आते हैं, ऑनलाइन कोर्स, और बोलते हैं कि हमारा ये ऑनलाइन कोर्स आप ले लो, आप तो आप जिस भी कंपनी में हो आप अच्छी तरह से वहां पे आप ग्रो करने लग जाओगे। तो अजय सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आजकल ये जो सो कॉल्ड लीडर हैं जो अपना अपना ऑनलाइन कोर्स लेके आते हैं,
ये इसमें ऐसा क्या चीज होता है कि जो उनको सिस्टम नहीं सिखा सकता, जो उनको ट्रेनिंग मीटिंग नहीं समझा सकती, वो ये कोर्स सिखा देता है जहां पे वो जैसा बोला जाता है कि आप इस कोर्स को लोगे तो अच्छी तरह से आप ग्रो हो सकते हो, आप किसी भी कंपनी में हो। तो सर प्लीज इस पे आप प्रकाश डालिए। मैं एक लाइव एग्जांपल आपको बताता हूँ सर। मेरे पास एक फोन आया था आज से लगभग 1.5 साल पहले, और वो व्यक्ति गुड़गांव के अंदर कारपेंटर का काम करता था। वो मेरी भी वीडियोस देखता था तो मुझे भी फॉलो करता था। तो एक दिन उसका मेरे पास फोन आया कि सर मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता हूँ, मैं कैसे बन सकता हूँ। मैंने कहा आप काम क्या करते हो? कहता कारपेंटर का। मैंने कोई डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस या इस तरीके कोई काम किया? कहता नहीं सर, लेकिन वीडियोस देख के मुझे लगता है कि मैं भी मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता हूँ। तो मैंने कहा देखो, अगर आपके अंदर जज्बा है तो मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, क्योंकि मैं भी कभी ये नहीं सोचता था कि 4 आदमियों में बोल पाऊंगा, आज मैं 1000 लोगों के बीच में बोल पाता हूँ। लेकिन इसके लिए आपको किसी ना किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी सिस्टम के अंदर ज्वाइन करना पड़ेगा जहां पे वो सारी चीजें आप सीख पाए। इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, जिसको आप कर सकते हैं। तो उसने बताया कि गुजरात के एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो अपने आप को, मैं नाम तो यहाँ शेयर नहीं करूंगा, जो अपने आप को सबसे कम उम्र का मोटिवेशनल स्पीकर, सबसे कम उम्र में जो मोटिवेशनल स्पीकर बने थे उसके रूप में प्रमोट करते हैं, और माइंड के ऊपर भी ट्रेनिंग देते हैं वो। अभी कल परसों ही मैं उनका फेसबुक पे एक ऐड चल रहा था कि मेरा कोर्स आप अटेंड कीजिए, मैं सबसे कम उम्र के अंदर सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर बना हूँ और मैंने बहुत अथाह पैसा कमाया। तो मैं देख के हैरान हो गया, डॉक्टर साहब सतपाल जी आप बिलीव नहीं करेंगे, उसने अपने पीछे जो है अपनी जो इवोक कार जो है, रेंज रोवर जो कार है, वो खड़ी कर रखी है पार्क के अंदर, और उस कार के आगे खड़े होके वो बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? उनका मकसद कोर्स बेचना नहीं है, उनका मकसद लोगों को एजुकेट करना नहीं है, उनका मकसद ये है कि इतने कम उम्र में मैंने एजुकेशन दे दे के देखो गाड़ी खरीद ली है। यानी कि मोटिवेशनल स्पीकर्स के पास भी ये सारी चीजें पहुंच गई हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर जो चीज है कि गाड़ियां दिखाओ, अपनी लग्जरी लाइफ दिखाओ और आप लोगों को अट्रैक्ट करो, वो चीज अब मोटिवेशनल स्पीकर भी कर रहे हैं। तो उस व्यक्ति ने बोला मैंने उस मोटिवेशनल स्पीकर का कोर्स लिया सर, आप बिलीव करेंगे सर कितने का कोर्स था? 57,000 रुपए का कोर्स था सर, 3 दिन का। ओह वाओ। वो व्यक्ति गुजरात जी 57,000 का कोर्स था, वो व्यक्ति गुजरात गया, 3 दिन की उसकी क्लास अटेंड करी और बोला सर उन्होंने मुझे एक सर्टिफिकेट दिया है। मैंने कहा वेरी गुड, मैंने उनको अप्रिशिएट किया। मैंने कहा कुछ मुझे बोल के दिखाइए कि आप क्या सीख के आए हैं। कहता सर वो सब कुछ तो मुझे आता ही नहीं है सर। अब मुझे एक बात बताइए, उनकी तरह कितने लोग 57,000 रुपए वहां पे देख के आएंगे 3 दिन के अंदर? मैं आपसे पूछना चाहता हूं डॉक्टर साहब, मुझे आज भी वो दिन ध्यान है जब आप मेरे साथ ज्वाइन हुए थे, एसोसिएट हुए थे, और मैं लेट हो गया था और मैंने आपको बोला था डॉक्टर साहब आज आपको प्रेजेंटेशन देनी है, जबकि आप पढ़े लिखे इंसान हैं, आप एक डेंटिस्ट हैं, आप बहुत सारे पेशेंट्स को ऑलरेडी देख चुके थे। तो आपका जवाब उस वक्त ये था कि सर सब कुछ कर लूंगा लेकिन मैं नहीं बोलूंगा। ये कहीं ना कहीं आपका, मुझे याद है, मुझे याद है, और आपने मुझे बोला था कि आज की प्रेजेंटेशन आपको ही देनी पड़ेगी, और मैंने कहा था सर मैं इस काम के अलावा सारे काम कर लूंगा लेकिन मैं प्रेजेंटेशन मैं बिल्कुल नहीं दे सकता हूं, मैं बोल ही नहीं पाऊंगा, मैंने आपको कहा। बिल्कुल, तो इतनी एजुकेशन लेने के बाद आप नहीं बोल पा रहे हैं। तो एक कारपेंटर जो बेचारा लकड़ी का फर्नीचर बनाने का काम कर रहा है, वो इंस्पायर हुआ उसके वीडियो को देख के, और 57,000 उस व्यक्ति से ले लिए थे। उस दिन मैंने कसम खा ली थी कि मैं चाहे फ्री में वीडियो बनाऊंगा, चाहे फ्री में एजुकेशन दूंगा, लेकिन मैं अपना लाइफ में कभी कोर्स नहीं बेचूंगा, क्योंकि उस व्यक्ति की जेब से 57,000 रुपए निकला सर। जी सतपाल जी कुछ कह रहे हैं? हाँ, एक बहुत बढ़िया बात मुझे याद आ रही थी, कहानी है बड़ी अच्छी इसके पीछे ना, और इसमें सारा क्लियर हो जाएगा मैसेज कि एक व्यक्ति करोड़पति बनना चाहता है तो किसी गुरु के पास जाता है गुरु मंत्र लेने के लिए, और गुरु मंत्र लेके आता है और आके अखबार में निकाल देता है कि भाई मैं तो करोड़पति बनूंगा या बन गया। और अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो आप मुझे 1 रुपए का पोस्टल ऑर्डर या डाक टिकट मुझे भेजिए ताकि मैं आपको ये करोड़पति बनने का मंत्र भेज सकूं फ्री में। आपसे मैंने कोई फीस नहीं लेनी, उसने प्रचार किया कि मैं आपसे कोई फीस नहीं लूंगा, केवल 1 रुपए का डाक टिकट आप मुझे भेजेंगे ताकि मैं अपने मंत्र को लिख के पोस्ट कर सकूं आपके घर पे कि करोड़पति कैसे बनाया जाता है और आप करोड़पति बन जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, मैं शर्त लगाता हूं, अगर ऐसा ना हो तो मुझे जो चाहे आप सजा देना। और ये प्रचार प्रसार हुआ, करोड़ों लोगों ने 1-1 रुपए का डाक टिकट उसको पोस्ट कर दिया और उसके घर पर करोड़ों रुपए के डाक टिकट चले गए।
और उस व्यक्ति ने वो सारे डाक टिकट को कैश कर लिया और करोड़ रुपए अपने पास रख लिया और अगले दिन अखबार में एड निकाला कि देखिए मैंने ये निर्णय किया है कि मैं ये मंत्र सार्वजनिक कर दूं ताकि सारे लोग करोड़पति बन सकें, कि जो मैंने किया वो आप कर लीजिए, मैं करोड़पति बना, आप भी बन जाएंगे। ये है एजुकेशन सिस्टम। आज उन्होंने खुद ना डायरेक्ट सेलिंग करी है, ना नेटवर्क मार्केटिंग करी है, ना उन्होंने कोई वहां से पैसा कमाया है, लेकिन एजुकेशन के नाम पर, करोड़पति बनाने के नाम पर हॉट बटन दबा करके लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। खुद तो पैसे कमा रहे हैं, करोड़पति बन रहे हैं, लेकिन लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। ये उसी तरह है जैसे लोगों को बेवकूफ बनाने का काम आज मार्केट में पहले से होता आ रहा है, जिसमें धारा 420 लगती है, लेकिन एक अलग बात है कि उसका मॉडल इन लोगों ने बदल लिया है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा। जी सर। जो आप ये सेशन चला रहे हैं ये बहुत अच्छा है, और मैं ये निवेदन करूंगा आपसे कि एक एक मुद्दे के ऊपर अगर एक एक एपिसोड आप बनाए जी, ताकि हम एक एपिसोड को पूरे पूर्ण रूप से उसके ऊपर चर्चा कर सकें, तो शायद बहुत बेहतर होगा। बिल्कुल सर, ऐसी एक एक विषय के ऊपर एक पूरा एपिसोड लाया जा सकता है, जिससे बहुत सारे लोगों की जिंदगियों को बचाया जा सकता है। मकसद हमारा यही है। जी बिल्कुल। यहाँ पे एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा इसी मोटिवेशनल स्पीकर्स के ऊपर। मैं एक अपने व्यूवर्स को, सभी लोगों को एक मैसेज जरूर देना चाहूंगा कि ऐसा कोई कोर्स नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिसको आप वीडियोस के माध्यम से 5-7, 10-15-20 वीडियो वो बना देते हैं और उसके बाद आपको दे देते हैं 15। कितने लोग मेरे को मिले हैं जो कोर्स नहीं आया और आज वहीं के वहीं हैं। आज वही लोग जिन्होंने 15-15, 20-20, 50-50 हज़ार के कोर्स लिए हैं, वो फेसबुक पे ऐड करते हैं कि फलाना मोटिवेशनल स्पीकर का कोर्स लेना है तो 1000 रुपए में मेरे से ले लो। इसका मतलब क्या है, उसमें भी कमाई में कमाई वो लोग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, जिस मोटिवेशनल स्पीकर का आप कोर्स ले रहे हैं, उस मोटिवेशनल स्पीकर से ये पूछिए कि भाई साहब अगर आपका कोर्स करोड़पति बनाता है और आपके कोर्स से करोड़ों रुपए के चेक आते हैं, तो आप सबसे पहले अपना करोड़ों रुपए का चेक दिखाइए कि आपका आ रहा है। जिस तरीके से हम बार बार एक चीज के मुद्दे पे बोलते हैं कि अगर आपको कोई डायरेक्ट सेलिंग प्लान लेके आ रहा है तो आप कम से कम उसकी स्टेटमेंट जरूर देखें, उसी तरीके से अगर कोई मोटिवेशनल स्पीकर ये कहता है कि मेरा कोर्स खरीद लीजिए और आप लखपति करोड़पति बन जाएंगे, तो उससे पूछिए क्या आप करोड़पति बन गए हैं, क्या आपने कितने लोगों को करोड़पति बनाया अपने टीम के अंदर। कई बार बाई चांस भी हम लोग किसी कंपनी में आके ज्यादा पैसा कमा लेते हैं, लेकिन आपने अपने माध्यम से कितने लोगों को कामयाब बनाया, ये भी पूछना, ये भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अपने व्यूवर से मैं बोलूंगा, यूट्यूब भरा पड़ा है, यूट्यूब पे तमाम वीडियो हैं, बहुत सारी वीडियोज हैं। मेरा जहां तक ख्याल है, अगर यूट्यूब की सारी वीडियो आपने देख ली, सारी तो देख नहीं पाएंगे, लेकिन अगर आपने डेली भी एक मोटिवेशनल स्पीकर या किसी भी लीडर की अगर वीडियो आपने देख ली और उसमें पॉइंट बना के अगर आपने तैयार कर लिए, तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी ऐसे कोर्स की जरूरत है जिसको लेके आप लखपति करोड़पति बनेंगे। यूट्यूब पे फ्री के अंदर बहुत सारी एजुकेशन आपके पास है, और समय समय पे अब इसी सेशन के माध्यम से हम लोग भी आपको बहुत अच्छी एजुकेशन जो है डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर वो देना हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जी थैंक यू वेरी मच अजय सर, थैंक यू वेरी मच सतपाल सिंह सर, आपने आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बहुत ही सटीक उत्तर दिए, और जितने भी लोग इस सेशन को सुन रहे होंगे उनको जरूर हेल्प मिला होगा कि ये प्रश्नों का उत्तर उनको कहीं से मिल नहीं रहा था, तो इस सेशन से हमको उत्तर मिल गया। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच अजय सर, थैंक यू वेरी मच सतपाल सिंह सर। दोस्तों क्वेश्चन बहुत सारे हैं, प्रश्न और भी बहुत सारे हैं, लेकिन सभी प्रश्नों का समावेश इस सेशन में नहीं हो सकता है। अगर हम सभी प्रश्न इसी सेशन में ले लेंगे तो ये सेशन चलता ही चला जाएगा। लेकिन फ्रेंड, समय की भी सीमा है, इसको अब यहीं पे विराम देना होगा। और मेरा आपसे एक आग्रह है, यदि आप इस सेशन को फेसबुक पेज के माध्यम से यदि आप देख रहे हैं तो इस फेसबुक पेज को आप अभी फॉलो आप कर लीजिए, और यदि आप इस सेशन को आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो इस यूट्यूब चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए ताकि अगली कोई भी वीडियो आए तो उसका जानकारी, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड, हम इस तरह के सेशन बीच बीच में आपके लिए लाते रहेंगे, और डायरेक्ट सेलिंग के जो जीवंत मुद्दों पे जो भी क्वेश्चंस हैं उन सभी के उत्तर हम लेते रहेंगे। तो फ्रेंड, मिलते हैं अगले सेशन में बहुत ही जल्दी, तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।